हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोने की शुद्धता को कैसे मापा जाता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं है बल्कि इन्वेस्ट के सबसे आसान विकल्पों में से एक है। हमने ज्यादातर सुना है कि सोने की शुद्धता की गणना करने के लिए कैरेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्या हम वास्तव में इसका मतलब जानते हैं कि 18 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट क्या होता है? तो आइए एक साथ डिकोड करें कि इसका क्या मतलब है। कैरेट शुद्ध सोने की वह मात्रा है जो गहनों के समूह में होती है। हम जानते हैं कि 24 कैरेट 100% शुद्ध सोना है और यह बहुत नरम और नाजुक होता है और इसमें कोई मेटल नहीं डाला जाता है। ज्वेलरी यह नाजुक नहीं हो सकती है, इसलिए इसे आमतौर पर 18 कैरेट या 22 कैरेट में बनाया जाता है। इसे बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए आप कैरेट को प्रतिशत में बदल सकते हैं। सोने की शुद्धता मापने की इकाई कैरेट है। कैरेट जितना ज़्यादा होगा उतना सोना ही खरा होगा। जैसे जैसे कैरेट बढ़ता है वैसे वैसे सोने का दाम भी बढ़ता है। 24 कैरेट सोना यानी शुद्ध सोना 100% शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर सोने की कोई भी ज्वेलरी 24 कैरेट में नहीं बन सकती है, क्योंकि 24 कैरेट सोना काफ़ी ठोस धातु के रूप में होता है, इसलिए बिना पिघलाए इससे गहने बनाना बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पर गोल्ड यानी ज्वेलरी 22 कैरेट की बनती है। कई बार सोने की ज्वेलरी को मजबूत बनाने के लिए इसमें जिंक, कॉपर और चांदी को मिलाया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं सोने की शुद्धता को कैसे मापा जाता है। कैरेट को प्रतिशत में बदलने के लिए हम मात्रा को यानी कि क्वांटिटी को 100 से गुणा करते हैं, फिर समाधान को 24 से विभाजित करते हैं। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप 22 कैरेट के सोने के सिक्के में सोने का अनुपात मालूम करना चाहते हैं तो 22 को 24 से विभाजित करें, परिणाम 0.9166 आएगा। 100 से अब गुणा करें तो यह 91.66% है, जो सोने के सिक्के में शुद्ध सोने का प्रतिशत है। यहाँ मैंने आपकी बेहतर समझ के लिए एक सटीकता चार्ट दिया है जिसे आप इधर देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में क्या अंतर है। 18 कैरेट गोल्ड का दाम 22 कैरेट गोल्ड के दाम से भी कम होता है, जिसके कारण आप कम पैसे में सोने के गहने खरीद सकते हैं। मान लीजिए 24 कैरेट सोने का दाम 30,000 रुपये के आसपास है और 22 कैरेट सोने का दाम 27,000 से 28,000 रुपये के आसपास है, तो वही 18 कैरेट सोने का दाम 21,000 से 23,000 रुपये के बीच ही रहेगा। 18 कैरेट सोना 75% सोना होता है, जिसमें 25% अन्य धातु जैसे सिल्वर, जिंक, निकेल, कॉपर या तांबा मिलाया जाता है। आमतौर पर हीरे के आभूषण और अन्य आभूषण 18 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। इस तरीके से सोना 24 कैरेट या 22 कैरेट से कम महंगा होता है। यह एक स्वस्थ सोने का रंग है। 18 कैरेट ज्वेलरी की पहचान करना बहुत आसान है, क्योंकि उस पर 18 कैरेट या अलग तरीके का कोई हॉलमार्क जरूर होगा। कई बार 18 कैरेट सोने को 750 या 0.75 या इसी तरह की अन्य मोहर के साथ चिन्हित किया जाता है, जो गहनों में 75% सोने का प्रतीक है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की। 22 कैरेट सोने के आभूषण का मतलब 22% ज्वेलरी सोना है और शेष भाग धातु है। इस तरह से सोने का व्यापक रूप से ज्वेलरी बनाने में उपयोग किया जाता है। 22 कैरेट सोने के 100% में से केवल 91.67% शुद्ध सोना है। शेष 8.33% में तांबा, जस्ता, निकिल और अन्य मिश्र धातुएं हैं। यह धातुओं का ऐसा संयोजन है जो सोने की बनावट को सख्त बनाता है, जिससे आभूषण अधिक टिकाऊ होते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि इसका उपयोग सादे सोने के आभूषण बनाने के लिए किया जा सकता है। हीरे और भारी जड़े हुए आभूषण 22 कैरेट सोने के साथ अच्छे नहीं बनते हैं। अब बात करते हैं 24 कैरेट सोने की। तो 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना या 100% सोना भी कहा जाता है, जिनमें किसी भी अन्य धातु का कोई निशान नहीं है। सिक्के और बार बड़े पैमाने पर 24 कैरेट में खरीदे जाते हैं। यह 99.99% पर शुद्ध होने के लिए जाना जाता है और इसकी एक विशिष्ट चमकदार पीली छाया होती है। 24 कैरेट से अधिक सोने की कोई किस्म नहीं है। 24 कैरेट सोना इतना लचीला होता है कि उसका गहना बनाना आसान नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।